से चल, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। Enchanting palette from the brand Cups and Lashes। ये आईशैडो पैलेट का मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ एंड इस आईशैडो पैलेट की मदद से मैं ये आई लुक भी क्रिएट किया है जो मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगी। सो ये आईशैडो काफी पिगमेंटेड आईशैडो है एंड काफी फेमस एक आईशैडो पैलेट है। सो मैं इसका ही आज रिव्यू करने वाली हूँ। लिखा है कप्स एंड लैसेस एनचेंटिंग आईशैडो पैलेट। सो ये है इसका आउटर बॉक्स। इसके पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है एंड इसका जो एक्सपायरी डेट है वो है 2021 से 2024 तक है, यानी कि 3 इयर्स की ये सेल्फ लाइफ है। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 1499 रुपीस, बट मैंने जो प्राइस में बाय किया है एंड अभी जो प्राइस है वो है सिर्फ 899 में। सो ये है इसका इनर पैकेजिंग, यहाँ पर भी लिखा है कप्स एंड लैसेस एनचेंटिंग आई शेडो पैलेट। सो इसके पीछे भी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मेंशन है, एक्सपायरी डेट भी मेंशन है। इस पैलेट में जो मुझे काफी पसंद है वो है ये मेड इन इंडिया है एंड ये पैराबिन एंड क्रुएल्टी फ्री है, जो इसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है, जो काफी पसंद है मुझे इस पैलेट में। ब्यूटीफुल पैलेट है, अगर आप मेकअप सीख रही हो, बिगिनर्स हो एंड प्रोफेशनल भी हो, सो आप इस पैलेट को यूज कर सकते हो। इस पैलेट में आपको मैट शेड मिल रहा है, प्लस शिमर शेड भी मिल रहा है, प्लस ग्लिटर शेड भी मिल रहा है। सो दिस इज द परफेक्ट पैलेट। इसमें न्यूट शेड है, इसमें कलरफुल शेड है, इसमें ग्लिटर शेड है। सो दिस इज द परफेक्ट पैलेट। इसमें 39 शेड्स है, इसमें 10 ग्लिटर शेड भी है। सो दिस इज द कलर। सो यहाँ पर लिखा है दिस पैलेट इज डेडिकेटेड टू ऑल आवर लविंग सब्सक्राइबर्स, ये सब्सक्राइबर्स के लिए डेडिकेट किया है। सो ये काफी कलरफुल कलर है, इसमें 39 शेड्स है, जो न्यूड शेड है आप न्यूड लुक भी इसे क्रिएट कर सकते हो, इसमें कलरफुल शेड है जो आप कलरफुल आई लुक क्रिएट कर सकते हो, इसमें ग्लिटर शेड है जो आप ग्लिटर भी यूज कर सकते हो आई मेकअप के लिए। ये प्लेस ग्लिटर है, इसमें कोई भी वैसलिन ग्लिटर नहीं है, ब्रश की मदद से अच्छे से पैक हो जाती है, आपको फिंगर यूज करने की भी जरूरत नहीं है। काफी पिगमेंटेड पैलेट है, आप इसे ब्राइडल में भी यूज कर सकते हो। उन्होंने जो कलर चूज किया है वो मुझे काफी पसंद आए, काफी पिगमेंटेड पैलेट है एंड ये लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप मेकअप रिमूव भी करोगे तो भी इसे ये कलर स्टेन छोड़ेगी। सो या सो मैं थोड़ा सा कलर को स्वच्छ कर लेती हूँ। यह कलर सो यह कलर बहुत पिगमेंटेड है। ये कलर काफी पिगमेंटेड है एंड ये थोड़ा सा स्टेन छोड़ता है। पैलेट की मदद से मैं ये आई लुक भी क्रिएट किया है जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये न्यूट कलर को लेके क्रीज लाइन में मैं अप्लाई करूँगी, देन मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ही कलर को पिक किया है। अभी मैं पैलेट में से ये पिंक कलर को लेके क्रीज लाइन में मैं प्लेस कर रही हूँ। सिर्फ कलर को मैं प्लेस कर रही हूँ एंड थोड़ा थोड़ा कलर को लेके ही प्लेस करना। ये कलर बहुत पिगमेंटेड है इसीलिए मैं थोड़ा सा ही कलर को लेके ही मैं प्लेस कर रही हूँ। मैं कप्स एंड लैशेस का ही आई ब्रश यूज़ कर रही हूँ। मेरा रिसेंट में मेरा ये फेवरेट ब्रश है। मैं जब भी आई मेकअप करती हूँ, फेस मेकअप करती हूँ, मैं कप्स एंड लैशेस का ही मेकअप ब्रश यूज़ करती हूँ।
मैं फिर से ये पैलेट में से ये न्यूट कलर को लेके मैं जो कलर मैं पिंक कलर यूज़ किया है उसके ही थोड़ा सा ऊपर मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि पिंक कलर के जो क्रीज लाइन में वो अच्छे से ब्लेंड हो पाए। अभी पैलेट में से ये येलो कलर को लेके मैं क्रीज लाइन में ब्लेंड कर रही हूँ। अभी पैलेट में से ये पर्पल शेड को लेके मैं आउटर कॉर्नर में मैं अप्लाई कर रही हूँ, देन मैं साथ ही साथ ब्लेंड भी कर रही हूँ एंड थोड़ा सा मैंने आउटर कॉर्नर से बाहर तक मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मैं कट क्रीज करूंगी एंड कट क्रीज के लिए मैं कफ्स एंड लेसेस का एक कवर पॉट्स यूज़ कर रही हूँ, दिस इन द शेड 01। ये मेरा फेवरेट है एंड इससे अच्छे से कट क्रीज हो जाती है। सो या तो इसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ कट क्रीज के लिए। ये भी कफ्स एंड लेसेस का ही ब्रश है एंड ये बहुत पिगमेंटेड है ये कवर पॉट्स, सो आई लव दिस कवर पॉट्स। अभी पैलेट में से ये येलो कलर को लेके मैं आईलिड में अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं येलो कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि देख सको ये कितना पिगमेंटेड है ये आई शेडो पैलेट, क्योंकि सभी आई शेडो पैलेट में ये येलो कलर उतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं होता है, सो इसीलिए मैं येलो शेड यूज़ कर रही हूँ। पैलेट में से मैं पिंक शेड को लेके जो क्रीजेस है मिडिल में वहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लेंड भी कर रही हूँ। सेम मैं पर्पल शेड को लेके जस्ट आउटर कॉर्नर में मैं अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं ये पैलेट में से ये दो ग्लिटर शेड को मिक्स करके देन मैं आईलिड में अप्लाई करूँगी। ये दो ग्लिटर शेड काफ़ी पिगमेंटेड है, आपको ब्रश की मदद से ही अच्छे से पिक हो जाती है, आपको फिंगर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कफ्स एंड लैसेस का ही ब्रश यूज़ कर रही हूँ एंड आप देख ही सकते कितना अच्छे से ये प्लेस हो रही है। आपको ग्लू यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको एक पैलेट में ग्लिटर शिमर एंड मैट शेड मिल रहा है, सो डेफिनेटली आप ये आई शेडो पैलेट को यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आईलाइनर के लिए यूज़ करूँगी मेबलिन का द कोलोसल बोल्ड आईलाइनर। इसके मदद से मैं थोड़ा सा विंक आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। ये जेड ब्लैक आईलाइनर है एंड ये स्मच प्रूफ प्लस वाटर प्रूफ आईलाइनर है। अभी मैं काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का द कोलोसल काजल। ये भी वाटरप्रूफ स्मच प्रूफ है, सो इसके मदद से मैं लोअर वाटर लाइन में एंड टाइट लाइन भी कर लूँगी एंड मैं सेम पिंक शेड को लेके जस्ट वाटर लाइन में मैं स्मच कर रही हूँ। मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का देयर रियल मस्कारा, सो इसके मदद से मैं आईलैश को कोट कर लूँगी। सो इसके बाद मैं फॉल्स आईलैश भी अप्लाई करूंगी।
ब्रश की मदद से अच्छे से ये आई लुक क्रिएट हो गई है, जो मुझे फिंगर यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये जो कलर है वो क्रीमी है, एकदम भी पाउडरी नहीं है, जो मुझे काफी पसंद आई। एंड ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि ये अब देख ही सकते हो ये नहीं जा रही है, तो ये काफी लॉन्ग लास्टिंग होगी ये पैलेट। सो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हो। इस पैलेट का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप बिगिनर्स हो, मेकअप सीख रहे हो एंड प्रोफेशनल भी हो, तो भी आप इसे यूज कर सकती हो। मेटेड पैलेट है एंड काफी अच्छे से आई लुक क्रिएट हो जाती है। ये ग्लिटर शेड भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि सब ग्लिटर शेड अच्छे से पैक नहीं होता, ये फिंगर यूज करना ही पड़ता है। सो इसके मदद से मुझे फिंगर भी यूज नहीं करनी पड़ी। सो ब्रश की मदद से अच्छे से ये आई लुक क्रिएट हो गई है, तो आप इसे बाय कर सकते हो। डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगी आप इसे बाय कर सकते हो। ये कप्स एंड लेंस में अवेलेबल है, सो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप चाहते हो तो बाय कर सकते हो। तो यही था मेरा रिव्यू। अगर वीडियो आपको पसंद आती है एंड और भी आई लुक आप देखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी। यही था मेरा रिव्यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, स्पेशली ये आई लुक आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।